अभी हम पहले अताबाद शहर के टर्मिनल पर आ गए और ये स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्टिंग हो गई है टर्मिनल। ये पहला टर्मिनल हम क्रॉस कर रहे हैं। पीछे भी लाइट जला रहा और ये पहले से हम क्रॉस हो गए। दूसरा टनल स्टार्ट हो चुका है। इस टनल की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग अताबाद जेल की सैर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आप इंशाल्लाह इस टनल की लेंथ कितनी है? इस एक टनल की लेंथ तकरीबन 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है और इन तीनों टनल की लंबाई 4 से 4.5 किलोमीटर। यहाँ दिन में भी बिल्कुल अंधेरा है। अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं सजाएंगे। अब हम झील पे मिलते हैं इंशाल्लाह। ये अभी तक टनल चल रहा है हमारा, 3 से 4 किलोमीटर का टनल है। अंधेरा होता है यहाँ पे बिल्कुल, लाइटें ऑन करनी होती है गाड़ियों की। ये तीसरा टनल स्टार्ट हुआ है और ये तकरीबन छोटा है यहाँ। और ये अताबाद लेक देख रहे हैं, ये देखें, ये अताबाद लेक जो है। मुबारक हो, चौथा टनल भी आ गया। ये देखें, ये झील स्टार्ट हो गई। ये चौथा टनल आया है अताबाद, ये भी बड़ा है, ये भी काफी बड़ा है। ये जैसे क्रॉस करेंगे सीधा हम लेक पर आ जाएंगे, फिर वहाँ एंजॉय करेंगे। ये देखिए चौथा टनल हम क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ियां तो यहाँ खड़ी हैं। पांचवा टनल है यार, पांचवा टनल है। हाँ यार, रात को नौ नहीं और ये पांचवा टनल स्टार्ट हो गया हमारा, लास्ट टर्मिनल है। ये लास्ट फाइनल टनल क्रॉस हो गया है और ये देखें झील आ गई। Yeah.
आप या वॉलंटियर है। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है और अहमदाबाद झील पे आ गए। अब सही बन रहा है। और हम अब अहमदाबाद टनल क्रॉस कर रहे हैं। जगह कितना खूबसूरत बनाया। आया आया ये ऊपर वैली है और ये है उंजा का टॉप मोस्ट एरिया है। यहाँ से ग्लेशियर और केटू का पहाड़ भी नजर आता है। ऊपर वैली नगर वैली का ऊपर वैली और ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे हम खड़े हैं। यहाँ से ग्लेशियर, केटू का पहाड़ और मिनी स्विट्जरलैंड कहलाया जाता है। ये नगर है मिनी स्विट्जरलैंड। ये नगर है और इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और अभी हम इसके बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं और यहाँ पर ग्लेशियर है, इस तरह वैली है। ये व्यू है यहाँ का कि बिल्कुल टॉप पर ऊपर पर आए हैं। और यहाँ पर ये चाचा जी बड़े ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं और एंटिक चीज़ है ये सारी। इनके पास ओरिजिनल सलाजीत है और काफ़ी चीज़ें इनके पास हैं। यहाँ पे ड्रेस है, यहाँ के नेकलेस स्टोन है, स्टोन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती स्टोन्स हैं। ये देखें तो आपको जब भी आना हो इंशाल्लाह कोशिश करें अंकल के पास आएँ, यहाँ से ख़रीदारी करें। बिल्कुल टॉप पर है ये नगर।